हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज पेन मैनेजमेंट एज यू ऑल नो कि पेन इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फिफ्थ वाइटल साइंस तो व्हाई द क्लाइंट शुड बी इन पेन क्लाइंट को पेन में नहीं रहना है क्लाइंट के पेन को कैसे मैनेज करना है एंड वॉट आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस डिस्कशन तो हम बात करें तो पेन क्या है पेन इज अन्प्लेजेंट एंड हाईली पर्सनल एक्सपीरियंस नो बडी वॉन्ट्स जो पेशेंट होते हैं ऑपरेशन के बाद में पेन इज अ वेरी कॉमन कंप्लेन बट दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड ठीक है पेशेंट पेन में नहीं रहना चाहिए प्रॉपर एनाल या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वॉट एवर शुड बी बट पेन इज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड वी शुड कंसिडर इट वी शुड नेवर नेग्लेक्ट इट ठीक है

की डेफिनेशन है पेन इज व्हाटएवर द पर्सन सेज इट इज एंड एग्जिस्ट व्हेनेवर से ही से इट इज इट डस तो पेन इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि पेशेंट जहां बोलता है कि उसको पेन हो रहा है वी शुड रिलाई ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी शुड नेवर नेगलेक्ट एंड वी शुड नॉट परसेप्ट uh, लाइक like की पेशेंट से पेशेंट कह रहा है कि पेन हो रहा है हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है इतना तो होता ही है ठीक है या फिर पोस्ट ऑफ पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है कि उसको पेन हो रहा है तो यू शुड नॉट रिस्पोंड लाइक दैट कि नहीं सर्जरी के बाद तो होता ही है थोड़ा तो होगा ठीक है तो वी शुड नॉट रिस्पोंड लाइक दैट एंड पेन शुड बी मैनेज

See pain is not considered that is in it is in the body only and it is not considered it is in the mind only pain Dono experience hai it is a physical experience saath hi saath mein sensory and the emotional experience also Okay, so it is a sensory that means it is related to the body It is related physically and emotional experience because it is it is affecting the emotions It is mentally also so it is uh, affecting the physical and mental both associated with actual एक्चुअल टिश्यू डैमेज और साथ साथ पोटेंशियल टिश्यू डैमेज भी हमने डेफिनेशन में कंसीडर किया हुआ है ठीक है और डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज ठीक है डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज ओके देन पेन मैनेजमेंट क्या है पेन मैनेजमेंट मतलब पेन को खत्म करना सो एलिविएशन ऑफ पेन और रिडक्शन इन पेन टू अ लेवल ऑफ कंफर्ट दैट इज एक्सेप्टेबल टू द क्लाइंट ठीक है तो हमें पेन को मैनेज करना है एटलीस्ट उसे उस लेवल तक आना है जहां तक पेशेंट उसको बेयर कर सके ओके अब पेन का नेचर क्या है वॉट इज द नेचर ऑफ़ द पेन, पेन, पेन टाइप्स ऑफ़ में भी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ड्यूरेशन इंटेंसिटी एंड इटियोलॉजी ओके लोकेशन के बेस पर मतलब किस जगह उसको दर्द हो रहा है ओके okay? तो पेन को क्लासिफाई क्या है बेस्ड ऑन द लोकेशन हेड नेक चेस्ट टिक सी तो दीज आर कंसिडर्ड एज एरिया जब आपको पेशेंट बोलते हैं उसको सिर में दर्द हो रहा है या फिर उसको चेस्ट में पेन हो रहा है नेक में पेन हो रहा है तो दीज आर कंसिडर्ड एज द एरिया वे आर द पेन शुड बी मैनेज वेरी अप्रोप्रिएटली और दैट इज कंसिडर्ड बिकॉज अगर पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली वी शुड ऑल्सो कंसिडर इट बट अगर पेशेंट को नेक कंप्लेन हो रहा है या हेड कंप्लेन हो रहा है चेस्ट कंप्लेन हो रहा है तो वो अलग तरीके से ट्रीट होगा एज कम्पेयर टू द नी बिकॉज दीज आर द मेजर एरियाज चेस्ट पेन अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो वी शुडर नेवर इग्नोर इट ठीक है पेशेंट को हेड कंप्लेन कर रहा है तो इसीलिए उसका चेस्ट uh, कंप्लेन कर रहा है तो ई सी जी इट इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियो और इट इज रिलेटेड टू कार्डियो और नॉट तो ये सब पहले असेस करना जरूरी है ठीक है तो लोकेशन ऑफ़ द पेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मैनी सिमिलर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बट डिफरेंट क्लिनिकल नीड्स ठीक है तो सबकी होते हैं कि क्लाइंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम है बट उनकी नीड डिफरेंट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि नी सर्जरी के बाद में क्लाइंट टली और सीवियर चेस्ट पेन अगर किसी की नी सर्जरी हुई है और क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको मॉडरेटली सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो नर्स मस्ट एक्ट इमीजिएटली टू फर्दर इुएट एंड ट्रीट दिस डिस्कंफर्ट ओके देन पेन लोकेशन के बेस पर रेफर्ड पेन भी हो सकता है पेन जैसे कि appear to arise in the different areas, okay? कि ओके पेशेंट को जैसे कि आ, अगर कोई जी आर डी है ठीक है उसको एसिड रिफ्लक्स हो है तो पेशेंट को स्टिल चेस्ट पेन ही कंप्लेन करेगा पेशेंट ठीक है तो इसीलिए पेशेंट में पेन में ऑल्सो बी रेफर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एग्जाम्पल

जहां पर पेन हो रहा जहां से पेन हो रहा है exactly एग्जैक्टली वहां पर फील नहीं हो रहा किसी दूसरे एरिया में फील हो रहा है ठीक है एंड द नेक्स्ट थिंग वी शुड फोकसर द लोकेशन द्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ द पेन लाइक टाइम के लिए जो पेन है वो रहता है ड्यूरेशन तो वेन द पेन लास्ट ऑनली थ्रू द एक्सपेक्टेड रिकवरी पीरियड की जितने टाइम उसका रिकवरी होने में लगता है ठीक है कि इतना टाइम भी सही हो जाएगा तो दैट इज डिस्क्राइब एज द अक्यूट पेन ओके एंड इट हैज सडन स्लो ऑन सेट ओके दे रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंटेंसिटी हम यहाँ पर ज्यादा पेन हो रहा है कम पेन हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ठीक है क्रॉनिक पेन जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट पेन की बहुत टाइम से है तो आफ्टर द रिकवरी और आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम ओके इट इज प्रलॉन्ग यूजली रिकवरिंग और लास्टिंग थ्री मंथस और लॉन्गर एंड इंटरफेयर विद फंक्शनिंग की वो पेन इतना क्रॉनिक है पेन इतना ज्यादा है दट पेशेंट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको भी वो इंटरफेयर कर रहा है ठीक है देन इंटेंसिटी इंटेंसिटी मतलब कितना ज्यादा पेन है ओके तो मोस्ट प्रैक्टिशनर क्लासिफाई इंटेंसिटी ऑफ अ पेन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल जिसमें होता है क्या स्केल है जीरो टू टेन ठीक है एंड 0 टू 10 0 मतलब नो पेन एंड 10 इज द वर्स्ट पॉसिबल पेन स्केल तो पेशेंट को बोलता है कि पेशेंट को आपका पेशेंट बोलता है कि आपको दर्द उसको दर्द हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे कि 0 से 10 के स्केल में आप बताइए कि आपको कितना दर्द हो रहा है ठीक है 10 मतलब बहुत ज्यादा है 0 मतलब बिल्कुल नहीं है तो क्लाइंट यूजुअली से कि हां मतलब छह नंबर सात नंबर ठीक है तो वो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ओके कभी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो दे विल से, से कि हाँ भाई आठ नंबर या नौ नंबर बहुत दर्द हो रहा है ठीक है

तो इन दिस डिसके या तो जो हमारे ऑर्गन है उनके थ्रू ठीक है सब टाइप ऑफ क्या है न्यूरोपैथिक का दैट आर बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम बिलीव टू बी डैमेज न्यूरोपैथिक जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डैमेज सेंट्रल न्यूरोपैथिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डैमेज एंड सिंपैथेटिकली मेंटेन्ड पेन ओके So these are the comparison of the acute and the chronic pain.